आज श्राद्ध पक्ष चल रहा है। मेरे मातृश्री को आज के दिन श्राद्ध में मिलाया और मेरे यहाँ कल्पेश महाराज, उनका अभी परिचय देंगे, वो ये विद्वान पंडित है। तो आज के युवान पीढ़ी को या समय नहीं है या ज्ञान नहीं है या ज्ञात नहीं है, श्राद्ध क्यों करते हैं, क्यों करना चाहिए, श्राद्ध से क्या मिलता है, और शायद किसी को प्रश्न हो कि यहाँ पूजा करने से ऊपर कैसे अपग्रेडेशन होता है, ये सब समझाने के लिए कल्पेश भाई। कल्पेश भाई, आपका शुभ नाम और आपका परिचय दीजिए प्लीज़। जय श्री कृष्ण, हर महादेव। मेरा नाम कल्पेश भाई जयेंद्र भाई शुक्ला है। मैं भागवत विद्यापीठ 16 वरतंत्र संस्कृत महाविद्यालय का विद्यार्थी हूँ। कृष्ण शंकर दादाजी की कृपा से, भगवान की बहुत दया है। पितृन उद्देश्य श्रद्धया दीयते, पितृ को जो श्रद्धा से देते हैं दान, उसको बोलते हैं श्राद्ध। श्राद्ध में अभी कृष्ण पक्ष चल रहा है हमारा। यहाँ जब कृष्ण पक्ष चल रहा होता है तब पितृलोक का वहाँ पे दिन होता है। तो जो दिन में उनको जो यहाँ पे श्रद्धा से हम भोजन देते हैं, कौवे को, गाय को, सबको जो खिलाते हैं, ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, हाँ, वो सबको अपने पितृलोक वहाँ से भोजन लेते हैं, वो करते हैं, प्राप्त करते हैं और संतुष्ट करते होते हैं। वो खुद भी संतुष्ट होते हैं और अपने समृद्धि, संतति, संपत्ति और सन्मति ये सब देते हैं। पितृ नारायण तृप्त होते हैं, वो घर में सदा सुख समृद्धि रहती है। ये श्राद्ध करने क्यों करना चाहिए, श्राद्ध क्या है, सबसे पहले श्राद्ध क्या है और क्यों करना चाहिए? श्राद्ध पितरों के लिए बहुत आवश्यक है। यहाँ पे जो हम भोजन करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वैसा ही वहाँ पितृलोक में भी होता है। उनको भी खाने के लिए, भोजन के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है। हमारे यहाँ 6 महीने उत्तरायण और 6 महीने दक्षिणायन का पक्ष है। तो 6 महीने जब यहाँ पे दिन होता है उसको रात होती है, 6 महीने की वहाँ पे रात होती है, 6 महीने का दिन होता है। हमारे यहाँ 1 साल होता है। आज भाद्र पक्ष में जब यहाँ में हमारे पितरों का सब 15 दिन 16 दिन जो भोजन करवाते हैं ब्राह्मणों को, वो सब पितृलोक को दिन में प्राप्त होता है। हमारा 1 साल पितरों का 1 दिन होता है वहाँ पे। अच्छा, हाँ। और ये चंद्रमा का जो आपने जो शास्त्र में लिखा है दिन 15 दिन का, वो भी समझ दीजिए प्लीज़। यहाँ जैसे अभी आपको मालूम है कि चंद्रयान वहाँ पे गया तो सबको मालूम अभी पड़ा कि चंद्र के ऊपर 15 दिन रात रहती है, 15 दिन दिन रहता है। ऐसे पितृलोक में भी ऐसा है, 6 महीने रात होती है, पितृलोक में 6 महीने दिन होता है। ये अपने शास्त्र में लिखा हुआ भी है? शास्त्र में लिखा हुआ है। क्या है, आप समझाइए। हाँ, ये शास्त्र में लिखा हुआ है कि हमारे यहाँ जब 1 साल पूरा होता है तो उनका 24 घंटे पितृलोक का पूरा होता है, यानी 12 घंटे हमारा, 12 घंटे उनका, हमारा 6 महीने पितृलोक का, 12 घंटे हमारा, 6 महीने यहाँ का। इसलिए यहाँ भी भाद्र पक्ष में जो भी श्राद्ध देते हैं तो उनको वहाँ पे दिन होता है। तो दिन में भोजन यानी भूख लगती है अपने सबको, वैसे पितरों को भी लगती है। तो पितरों अपने घर के संतानों के वहाँ जाते हैं भोजन के लिए। तो जब यह श्राद्ध करते हैं या ब्राह्मण भोजन करवाते तो पितृलोक तृप्त होते हैं। अगर ब्राह्मण भोजन नहीं करवाते, श्राद्ध नहीं करते तो पितृलोक निराश होकर वापस अपने घर चले जाते हैं, पितृलोक में वापस जाते हैं। वो दुखी होते हैं कि हमारे संतानों ने हमारे पीछे कुछ नहीं किया। आज के युवा पीढ़ी को ऐसा लगेगा कि मैं ब्राह्मण को खिलाऊं, गाय को खिलाऊं या कुत्ते को खिलाऊं, तो वो पितृ को कैसे पहुंचेगा, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा? हमारे शास्त्र में यहाँ पे व्यवस्था है। जैसे श्राद्ध कभी करते हैं ना, को महाले श्राद्ध में कुरुकुत्स नाम के 2 देव होते हैं। कुरुकुत्स नाम के 2 देव है, उनकी पूजा है। वो देव का कार्य ही वही है, जो यहाँ पे हम देते हैं वो पितृलोक के वहाँ पे पहुँचाता है। जैसे हम अमेरिका से या लंदन से
जैसे डॉलर या पाउंड मंगाते हैं तो यहाँ पे रुपीज में डाइवर्ट हो जाता है ना, वैसे भी हमारे पितृ अभी भी कोई भी योनि में हो, पशु योनि में हो, पक्षी योनि में हो, जलचर में हो, तो वो सब श्राद्ध यहाँ से हम जो भी उनके विच्छेद दान करते हैं, वस्त्र का, पानी का, सीधे का, जो भी दान करते हैं, अगर वो पशु योनि में हो तो उसको घास के रूप में मिलता है, पक्षी योनि में हो तो उसके पानी के रूप में मिलता है, वो डाइवर्जन हो जाता है उसमें। अच्छा, मतलब मेरे को मान लीजिए कि मेरे को यूएसए जाना है, मेरे को डॉलर चाहिए, तो या मेरे को बैंक में जाना होगा, अगर तो कोई फॉरेक्स कंपनी में जाके फिक्स एजेंसी है उसके पास ही जाना होगा, वो ही मेरे को डॉलर दे पाएगा, और किसी को अथॉरिटी नहीं है, नहीं है। वैसे जो आपने दो देव का नाम दिया, फिर से समझाइए, वो देव कुछ नाम के जो देव जो, जो देव कुरु कुछ नाम के जो देव है उनके पास अथॉरिटी है कि यहाँ का जो भोजन दिया हुआ है, दान दक्षिणा दी हुई हुई है, उनके माध्यम से अपने पितरों को ये सब प्राप्त होता है। और आप अभी के युवाओं को कुछ पितरों के बारे में कुछ समझाना चाहते हैं? जो माँ बाप ने छोटे से बड़ा किया है उनके ऋण में से तो हम कभी भी मुक्त नहीं हो सकते, जीवित अवस्था में उसकी सेवा जितनी की है वो तो बहुत अच्छी है, करनी भी चाहिए, वही अपनी फर्ज है, लेकिन मरने के बाद भी वो हमारे पास कुछ आशा रखते हैं, अपेक्षा रखते हैं, तो हम जहाँ श्राद्ध करते हैं, ब्राह्मण भोजन करते हैं, उससे वो तृप्त होता है, हमारे यहाँ संतति देते हैं, संपत्ति देते हैं, सन्मति और समृद्धि यहीं पितृलोक देते हैं, पितृलोक की कृपा से हमारे यहाँ संतान में सन्मति आती है, सन्मति, हाँ, अच्छी बुद्धि आती है, अच्छी विधियाँ आती है, संतति, अभी मैं थोड़ा बोलूँगा, संतति मतलब पुत्र पुत्री, हाँ जी, संपत्ति पैसा, अब पैसा पुत्र पुत्री के अपने लड़कों के पास होगा, बच्चों के पास होगा, लेकिन सही सोच नहीं होगी, सम्मति नहीं होगी, तो वो पैसे का गलत प्रयोग होगा और गलत राष्ट्र का निर्माण होगा, परिवार का निर्माण होगा, और जिसके पास गलत होगा वो खुद भी गलत रास्ते पे चला जाएगा। तो सबकी ये सब समृद्धि परिवार से लेके राष्ट्र तक की समृद्धि के लिए ये श्राद्ध करना जरूरी है। संतति, संपत्ति और सन्मति हर घर में पितृ लोग देते हैं, जो घर में श्राद्ध होता है, ब्राह्मण भोजन होता है, पितरों की पूजा होती है ना, वहाँ पे संतति, संपत्ति और सन्मति बहुत देते हैं, बहुत विद्या देते हैं। कल्पेश भाई, आपका बहुत बहुत आभार, इस और आपने आज हमारे घर पे आके पूजा पाठ करवाया, जो भी हम आपके साथ बहुत ही संतुष्ट है, आपका खूब खूब आभार। आप अपना फ़ोन नंबर दीजिए, आप अहमदाबाद गुजरात भारत में रहते हैं जी। आप इच्छो तो फ़ोन नंबर दे सकते हैं जी। आपका फ़ोन नंबर 9825902417, रिपीट कीजिए 9825902417, कल्पेश भाई शुक्ला, अहमदाबाद गुजरात। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय।